लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते भारतीय बौद्ध महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर शनिवार को बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने संविधान से छेड़छाड़ होने की बात पर चिंता जताई। VO30 भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर ने कहा, लगातार ये केंद्र में बैठी सरकारें संविधान के बारे में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। मुंह से तो बोल रहे हैं कि हम संविधान के माध्यम से देश का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज संविधान में छेड़छाड़ की घटनाएं काफी बढ़ गई है। उसका ही उदाहरण NRC है, जो भारत के नागरिक है उन्हें आज इस माध्यम से पराया दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिनके पास सब सबूत होने के बावजूद 50 साल का सबूत मांगने वाले ये लोग हैं। इससे समाज में विषमतावादी स्थिति खड़ी हो रही है। एक दूसरे को नफरत से देखते हैं, एक दूसरे पर शक करने की स्थिति में भारत आकर खड़ा हो गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान की आखिरी पार्लियामेंट भाषण में ये कहा था कि आने वाले समय में देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, हम भारतीय ऐसे जागृत हों, हमारे जीते जी नहीं होगी, लेकिन आने वाली सरकार ने इस पर जोर देना चाहिए। लेकिन सरकार के रवैये से लग रहा है कि राष्ट्रीयता से काफ़ी दूर चले गए हैं। हमारी पहचान धर्म राज्य से शुरू होती है। लगातार ये सरकारें जो केंद्र में बैठी है वो संविधान के बारे में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। मुंह से तो बोल रहे हैं कि हम संविधान के माध्यम से हम देश का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज संविधान में छेड़छाड़ होने की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई है। उसका ही उदाहरण NRC है, जो भारत के नागरिक है, सिटीजन है, उन लोग को आज इस माध्यम से पराये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास सब सबूत होने के बावजूद 50 साल के सबूत दे दो ऐसे बोलने वाले ये लोग हैं। इससे समाज में एक जो विषमतावादी सिचुएशन खड़ी हुई है, एक दूसरे से नफरत से देखते हैं, इस दूसरे पर शक निर्माण होने की आज स्थिति में भारत आ गया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिखा, संविधान के आखिरी पार्लियामेंट भाषण में बाबा साहब ने यह कहा था कि आने वाले समय में यह देश में नेशनलिटी पैदा हुए, नेशनलिटी क्रिएट हुए, हम भारतीय ऐसे क्रिएट हुए, हमारे जीते जी तो होंगे नहीं, लेकिन आखिरी आने वाले सरकार ने इस पर जोर देना चाहिए, इसने काम करना चाहिए नेशनलिटी देशवासियों की होने के लिए। लेकिन ये सरकार के ये सब रवैये से अभी लग रहा है कि ये नेशनलिटी से हम काफ़ी दूर दूर तक निकल गए। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट।